नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज प्रवासी मजदूरों के लिए अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन से श्रमिक ट्रेन चलाई गई, जिसमें प्रवासी मजदूरों को उनके प्रदेश भेजने का काम किया गया। इन प्रवासी मजदूरों को हरियाणा रोडवेज द्वारा अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन तक लाया गया। वह उनकी थर्मल स्क्रीनिंग और मेडिकल चेकअप के बाद ही उन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखते हुए ट्रेनों में बिठाया गया। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने प्रवासी मजदूरों को जूस व ग्लूकोज वितरित किया। जब हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की तो उन्होंने बताया कि यह सारा काम यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा किया जा रहा है और प्रवासी मजदूरों को सफर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए उनको यह सामान वितरित किया जा रहा है। गृह और स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी का प्रयास आज रंग ला रहा है कि इनके चेहरे पे आज आप खुशी साफ देख रहे हो। उसका कारण यही है कि आज इनको जहाँ जहाँ पहले ये पैदल चल रहे थे, जिससे बहुत परेशानियाँ झेल रहे थे, लेकिन मिसर ने आज इनको ये जहाँ पर हैं वहीं पर इनकी व्यवस्था करी है, इनकी खाने पीने की व्यवस्था करवाई है और उसके माध्यम से उनको बसों से यहाँ गाड़ियों रेलगाड़ी का प्रबंध करवाया हुआ है। यहाँ पर वो आते हैं और गाड़ियों में जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहले भी 1600 जो प्रवासी मजदूर थे उनको हमने ग्लूकोज और जूस के 1 लीटर का जूस दिया है और इसी कड़ी में आज फिर हम 1400 प्रवासी मजदूरों को आज हम यहाँ पर जूस और ग्लूकोज के पैकेट वितरित कर रहे हैं। इसी बीच हमने प्रवासी मजदूरों से भी बात की तो उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि वह लोग बहुत खुश हैं और उन्होंने अम्बाला प्रशासन का भी बहुत धन्यवाद किया। और आज आप लोग अपने अपने घर जा रहे हो तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है। हरियाणा सरकार पर भी खुश हम लोग, तो हम लोग पैदल जा रहे थे, हरियाणा सरकार ने पुलिस प्रशासन है ना वो हमको पकड़ करके ले गए, राजासमी में रखे हैं। आज 5 रोज से रहे, फिर उसके बाद खाना पीना बहुत अच्छा खिलाए, उसके बाद हम लोग को भेजे। हर चीज़ का सुविधा बहुत बढ़िया है। तो जब वहाँ से यहाँ तक आए तो आपको किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा? यहाँ तो कुछ समस्या नहीं है, यहाँ तो जो सरकार ही उठाए, जितने समस्या जो सरकार ही लिए। यहाँ कहाँ से आए हो आप? यहाँ तक करनाल से आए। करनाल से आए जी। तो करनाल में आपको किस प्रकार की दिक्कतें आती है जो आप यहाँ तक पहुँचे? वहाँ से हम पैदल जा रहे थे, एक बार पैदल गए यूपी का बॉर्डर से, हम लोग वापसी करवा दिए। बहुत दिक्कत हो रही थी हमें यहाँ पर, राशन पानी के लिए हर चीज़ के लिए काम कुम नहीं मिल रहे थे, इस वजह से हम लोग गाँव जा रहे थे। साइकिल से गए यूपी का सरकार, हम लोग का आपसे करवाए, वहाँ फिर आए यहाँ पर। उसके बाद हम लोग पैदल फिर जा रहे थे, राधा स्वामी वाले हम लोग को पकड़ लिए, उसके बाद हम लोग को यहाँ रखे वहाँ पर 5 रोज, फिर उसके बाद खाना पीना खाए, खूब बढ़िया से आया। तो आज सारी मशक्कतों के बाद आज आप लोगों को घर जाने को मिल रहा है जी, तो क्या उस चीज़ का मतलब उत्साह है अंदर घर जाने का? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, हम लोग बहुत खुश हैं। आए बहुत दिक्कत हुआ, बॉर्डर पार नहीं होने के रास्ता पैदल आए हैं, तब यहाँ आके फिर सरकार ने दिया हम सबको रहने के लिए, खाना भी दिया, 4-5 दिन रहे यहाँ पे, फिर आज हम सबको यहाँ भेज रहा है घर। तो आज तो बहुत बढ़िया की बात है कि घर भेज रहा है सरकार। आप बने रहे हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें।